यह हम सबके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता था कि सब कुछ प्रकृति और परमात्मा की कृपा है, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है, युवा ऊर्जा है, प्रतिभा है। उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट क्यों? और मैं इस अवसर पर स्मरण करूंगा प्रदेश के अपने पूर्व राज्यपाल माननीय श्री रामनाईक जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब प्रदेश में सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने उस समय यद्यपि पहली सरकार को भी कहा था, लेकिन पहली सरकार ने तो नहीं, लेकिन 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में आई, उन्होंने मुझे भी कहा कि हर राज्य की अपनी स्थापना दिवस का होता है, एक अवसर होता है, वो अवसर उस राज्य के लिए अपने गौरव को महिमा मंडन करने और भविष्य की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर होता है। और अगर उत्तर प्रदेश अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करके इन प्रयासों को आगे बढ़ाता है तो अच्छा होगा। सरकार हमारी मार्च 2017 में बनती है तो स्वाभाविक रूप से 17 में हम आयोजित नहीं कर सकते थे, लेकिन 2018 जनवरी में, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ गए हैं। 7वां स्थापना दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सप्त कुरियों में एक अयोध्यापुरी, अयोध्या धाम प्रभु राम के 500 वर्षों के एक लंबी अवधि के वनवास को तोड़ते हुए स्वयं अपने धाम में विराजमान हुए हैं। और इसलिए इस अवसर पर अयोध्या में प्रभु रामलला का विराजमान होना और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम होना, इन सब की मैं आप सबको बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं।